wonderful news to start your day with. Diya Mirza ji and Vaibhav Rekhi ji have welcomed their little bundle of joy on May 14th. But us news ke bare mein hame aaj pata chala, to socha mubarakbad dena to banta hai. This is for all Diya Mirza fans and of course Vaibhav Rekhi's fans. हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें और अव्यान आज़ाद रेखी जी को भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, आपका नाम रोशन करें एंड मे ही हैव गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग हिज वे. बात करेंगे उनके नंबर्स के बारे में, स्पेशली उनके फैंस जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. वन ऑफ देम, आई लव दिया मिर्ज़ा अ लॉट, आई लव हर ऑन द स्क्रीन एंड आई लव द पर्सनैलिटी एंड द वाइब शी हैज़. तो उनके लिटिल वन के लिए उनको वेलकम करते हुए उनकी न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो बिफोर आई जंप यू नो ऑन माय स्क्रीन टू शो यू कि किन नंबर्स को लेके वो पैदा हुए हैं और उनकी नेम न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, वंस अगेन जॉइन मी इन कंग्रेचुलेटिंग द ब्यूटिफुल कपल ऑन द अराइवल ऑफ दिस लिटिल बंडल ऑफ जॉय. बहुत 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 सारी मुबारकें. तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और अंडरस्टैंड करते हैं उनके नंबर्स के बारे में. तो चलिए बात करते हैं अव्यान आज़ाद रेखी की. मैंने बेसिक कैलकुलेशन जो है वो ऑलरेडी कर लिया है एंड सॉरी फॉर द स्क्रीन, थोड़ा स्क्रीन साइज़ छोटा है क्योंकि आई वांटेड टू शो यू द कैलकुलेशन, तो मुझे स्क्रीनशॉट पे काम करना पड़ेगा. अब जो ये बेसिक कैलकुलेशन हमने किया है अव्यान आज़ाद रेखी का, तो उसमें नेम नंबर जो है वो आता है 4, लाइफ पाथ नंबर 6, बर्थडे नंबर 5, हार्ट नंबर 2, पर्सनैलिटी नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 4 और कार्मिक नंबर 1. क्या कहते हैं ये, हमने कैलकुलेशन की तो हमने देखा कि अव्यान और आज़ाद में डबल ए पे स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा है. रेखी उनका सरनेम है, उनके फादर का सेकंड नेम है, इसलिए यहाँ रेखी ऐड किया गया है. पर अव्यान और आज़ाद में डबल ए के आने से क्या चेंजेस आए हैं, ए जो है उसकी वैल्यू जो है न्यूमरोलॉजिकली 1 होती है विच रिप्रेजेंट्स प्लैनेट सन, और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ है 14. तो 14 से डेट से हमें बर्थडे नंबर मिला विच इज़ नंबर 5, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन. लाइफ पाथ नंबर इस टोटल का सम है विच इज 6. अब 5 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली नंबर 5 जो है वो मर्करी को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 6 जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है. दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी कि हो सकता है शुरुआत से ही इनका जो इंटरेस्ट है वो बॉलीवुड, आर्ट्स, यू नो मॉडलिंग, इन सारी चीज़ों में जो है वो इंक्लिनेशन भी नज़र आएगा और हो सकता है ये आगे आने वाले समय में हमें इस फील्ड से जुड़े हुए नज़र आए. अब नॉट नेसेसरीली कि एज एन एक्टर ओनली, बट कुड बी अ बिगर नेम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्शन, समथिंग रिलेटेड टू द आर्ट्स, रिलेटेड टू यू नो बॉलीवुड इटसेल्फ, बॉलीवुड या हॉलीवुड, यू नो बहुत दोनों चीज़ें कि बेसिकली ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए ये ज़रूर नज़र आते हैं. अब इस चीज़ को अगर हम आगे देखें, इनका नेम नंबर है 4. 4 जो नंबर होता है वो राहु का नंबर होता है वैदिक, एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी. हार्ट नंबर 2 और पर्सनैलिटी नंबर 2, ये दोनों चीज़ें क्या कहती हैं, बहुत ही सटल. अब ये अगर हम देखें सबसे पहले कॉम्बिनेशन के बारे में कि ये अपने समय से पहले आ गए हैं, वो उसका जो रीज़न है वो ये कि 1 और 4 हैज़ कम टुगेदर. 1 इज़ द प्लैनेट, यू नो नंबर ऑफ प्लैनेट सन, एंड 4 जो है वो राहु का नंबर है. सन और राहु जब भी यू नो इकट्ठे होते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं कि नंबर 14 वाले सब लोग जो हैं वो जल्दी ही आए, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू नो आपका लाइफ पाथ नंबर जो है वो क्या है, वो है वीनस का नंबर. अब वीनस जो है वो सुख सुविधाओं के नंबर हैं, इसका मतलब इन्हें पता है कि सब अब जो है वो मेरा इस दुनिया में आने का समय हो गया है जहां मुझे और सुख सुविधाएं जो है वो मिल सकें. सो नंबर 4, नंबर 1 और 4 को इकट्ठा जब हम लेते हैं 5 जो मरकरी का नंबर है, और हमें पता है कि मरकरी जो है वो तीव्र गति के प्लैनेट कहे गए हैं, सब नंबर 5 अगर किसी का स्ट्रांग हो तो बहुत ही फास्ट पेस्ड डिसीजंस लेने वाले होते हैं, जल्दबाजी इनमें रहेगी, हर काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे. तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इनका अराइवल जल्दी हुआ है तो अपने माइलस्टोन्स भी ये तकरीबन कंपैरेटिवली बाकी इनके साथ के जो हम उम्र बच्चे हैं उनसे कंपैरेटिवली इनके माइलस्टोन्स भी थोड़ा जल्दी अचीव कर लेंगे, है ना. अच्छी बात. आगे बात करते हैं नाम की, जो इनका रखा गया है उसमें राहु का नंबर ऐड कर दिया गया है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम इसे करेक्ट कर सकें, क्योंकि हार्ट नंबर 2 और पर्सनालिटी नंबर 2 तो ठीक है, जैसे ये मन में जैसा इनका मन होगा वैसे ही बाहर इनके भाव भी नज़र आएंगे. मैनिपुलेटिव तो दूर दूर तक नहीं होंगे, लेकिन हमने इन्हें नंबर जो है वो मैनिपुलेशन का दे दिया है, इसीलिए कई बार हो सकता है एज ही ग्रोज, अभी तो बहुत छोटे हैं जनाब जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके लिए कहें, बट जैसे ही ये ग्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें शायद इनको फ्रेंड सर्कल यू नो फ्रेंड्स बनाने में कहीं दिक्कतें पैदा करें कि अपने आइडियाज़ को ये वहाँ तक रिलेट ना कर पाएँ.
डेस्टिनी नंबर फोर, फोर का जो नंबर है ना वो मेहनत वाला नंबर है। इंसान लॉजिकल रहता है, लॉजिकल के साथ साथ हर चीज़ में यू नो किसी भी काम को वो तब अपनी तसल्ली से कर पाएंगे जब वो उस चीज़ से कन्विंस्ड हों। तो हो सकता है कि मम्मा दिया को या पापा वैभव जी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़े इनको कन्विंस करने के लिए किसी काम को, यू नो, टू टेक अप अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू डू समथिंग। इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड, ये बहुत ओपन हार्टेडली उस काम को करेंगे, लेकिन अगर ये कन्विंस नहीं होंगे तो थोड़ी और मशक्क़त जो है वो करनी पड़ सकती है। कार्मिक नंबर है वन, यानी ये इस दुनिया में आए क्यों, ये इस दुनिया में इसलिए आए ताकि चीज़ों को लीड कर सकें। सो दैट इज़ द पॉजिटिव साइन। प्रॉबेबली चीज़ें जो हैं वो और अच्छी नज़र आती हैं एंड थिंग्स विल ग्रो एंड ही विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन हिज लाइफ ऑन द लीडरशिप फ्रंट। ओवरऑल बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, बट दी ओनली थिंग विच वरीज मी इज़ दिस नंबर, जिसको अगर हम ट्रीट कर सकें तो टच वुड इट विल बी वेरी वेरी नाइस। ओवरऑल विशिंग गुड लक टू अव्यान, आज़ाद, रेखी एंड ऑफकोर्स दिया जी एंड वैभव जी के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं, बिकॉज़ बच्चा जब भी आता है तो नई जिम्मेदारियों के साथ आता है, नए खुशनुमा पलों के साथ आता है, और हम सब की, आपकी फैंस की तरफ से, मेरी तरफ से यही प्रार्थना रहेगी कि यू एंजॉय दिस पेरेंटहुड टू द बेस्ट। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।